आलेख क्रमांक एक में एक्स वन बराबर एक, एक्स टू बराबर दो, एक्स थ्री बराबर तीन, एक्स फोर बराबर चार और एक्स फाइव बराबर पाँच, वाई वन बराबर पच्चीस, वाई टू बराबर पचास, वाई थ्री बराबर पचहत्तर, वाई फोर बराबर सौ और वाई फाइव बराबर एक सौ पच्चीस। यहाँ पर वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर पचास ऋण पच्चीस बटे दो ऋण एक बराबर पच्चीस बटे एक, वाई थ्री माइनस वाई टू बटे एक्स थ्री माइनस एक्स टू बराबर पचहत्तर ऋण पचास बटे तीन ऋण दो बराबर पच्चीस बटे एक। इसी तरह से वाई फाइव माइनस वाई फोर बटे एक्स फाइव माइनस एक्स फोर बराबर एक सौ पच्चीस ऋण सौ बटे पाँच ऋण चार बराबर पच्चीस बटे एक। आलेख क्रमांक चार में वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर तीन ऋण तीन दशमलव पाँच बटे दो ऋण एक बराबर ऋण शून्य दशमलव पाँच, वाई थ्री माइनस वाई टू बटे एक्स थ्री माइनस एक्स टू बराबर दो दशमलव पाँच ऋण तीन दशमलव शून्य बटे तीन ऋण दो बराबर ऋण शून्य दशमलव पाँच इत्यादि। आलेख क्रमांक पाँच में वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर आठ ऋण चार बटे दो ऋण एक बराबर चार, वाई थ्री माइनस वाई टू बटे एक्स थ्री माइनस एक्स टू बराबर बारह ऋण आठ बटा तीन ऋण दो बराबर चार इत्यादि। हम देख रहे हैं कि आलेख एक चार और पाँच में से प्रत्येक में y2 टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर है y3 थ्री माइनस वाई टू बटे एक्स थ्री माइनस एक्स टू के। ये कांस्टेंट है, नियत है और इनके आलेख भी सरल रेखा हैं। यानी जहाँ भी आलेख में y2 टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर y3 थ्री माइनस वाई टू बटे एक्स थ्री माइनस एक्स टू बराबर y4 फोर माइनस वाई थ्री बटे एक्स फोर माइनस एक्स थ्री, इसी तरह से वाई एन ऋण वाई एन माइनस वन बटे एक्स एन ऋण एक्स एन माइनस वन नियत होंगे, वहाँ आलेख सरल रेखा के रूप में होगा। इस प्रकार के आलेखों में राशियों के बीच के संबंध को रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी या वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में दर्शा सकते हैं। क्या अन्य आलेखों में भी इस प्रकार का कोई संबंध है? आलेख क्रमांक सात में हम देखते हैं कि y2 टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर पच्चीस ऋण तेईस बटे सात ऋण छः बराबर दो बटे एक, वाई थ्री माइनस वाई टू बटे एक्स थ्री माइनस एक्स टू बराबर सत्ताईस दशमलव पाँच ऋण पच्चीस बटे आठ ऋण सात बराबर दो दशमलव पाँच बटे एक, वाई फोर माइनस वाई थ्री बटे एक्स फोर माइनस एक्स थ्री बराबर उनतीस ऋण सत्ताईस दशमलव पाँच बटे नौ ऋण आठ बराबर एक दशमलव पाँच बटे एक इत्यादि। स्पष्ट है कि y2 टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर नहीं है y3 थ्री माइनस वाई टू बटे एक्स थ्री माइनस एक्स टू के, यह भी बराबर नहीं है y4 फोर माइनस वाई थ्री बटे एक्स फोर माइनस एक्स थ्री के। इसी प्रकार का संबंध आप आलेख क्रमांक छः में भी देख सकते हैं। इन दोनों उदाहरणों में y2 टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन तथा y3 थ्री माइनस वाई टू बटे एक्स थ्री माइनस एक्स टू और y4 फोर माइनस वाई थ्री बटे एक्स फोर माइनस एक्स थ्री नियत नहीं है, इसलिए इन उदाहरणों में आलेख सरल रेखा नहीं है। करके देखें। अपने विद्यालय के बगीचे के कुछ पौधों की लंबाई को 10 सप्ताह तक कॉपी में नोट कीजिए और प्राप्त आंकड़ों से आलेख खींचकर यह देखिए कि पौधों की लंबाई में किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं। विभिन्न परिस्थितियों में बने आलेख को पढ़ना। अब हम विभिन्न उदाहरणों की सहायता से
आलेख को पढ़ना, समझना और उसका विश्लेषण करना सीखेंगे। उदाहरण एक, दो गमलों ए और बी में दो अलग अलग प्रकार के पौधे लगाए गए हैं जिनकी ऊंचाइयाँ 5 सप्ताह तक हर सप्ताह के अंत में नापी गईं। इन मापों को नीचे आलेख में दर्शाया गया है। आलेख की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5वें सप्ताह के अंत में दोनों गमलों के पौधों की ऊंचाई बताइए। कौन से सप्ताह में गमले ए के पौधे की ऊंचाई में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई और कितनी? 4वें सप्ताह के अंत में गमले बी के पौधे की ऊंचाई कितनी थी? हल, आलेख में हम देख पाते हैं कि 5वें सप्ताह के अंत में गमले ए के पौधे की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और गमले बी के पौधे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी। 2रे सप्ताह में गमले ए के पौधे की ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई। यह बाद के किसी अन्य सप्ताह में हुई बढ़ोतरी से ज़्यादा थी। 4थे सप्ताह के अंत में गमले बी के पौधे की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर थी। उदाहरण दो, एक 2020 क्रिकेट मैच के दौरान दो टीमों ए और बी के द्वारा बनाए गए रनों को निम्नांकित आलेख में प्रदर्शित किया गया है। आलेख की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, टीम ए ने 16 ओवर तक कितने रन बनाए? दो, किस अंतराल के दौरान टीम ए और टीम बी के रन बनाने की दर सबसे अधिक थी? तीन, किस अंतराल के दौरान टीम ए और टीम बी के रन बनाने की दर सबसे कम थी? चार, 8वें ओवर के पश्चात टीम ए और बी के रनों में कितना अंतर था? पाँच, आलेख को देखकर बताइए कौन सी टीम विजयी हुई। हल, एक, टीम ए ने 16 ओवर में 126 रन बनाए। दो, 16 से 20 ओवर के अंतराल में टीम ए और टीम बी के रन बनाने की दर सबसे अधिक थी। तीन, 4 से 8 ओवर के अंतराल में टीम ए के रन बनाने की दर सबसे कम थी तथा टीम बी के रन बनाने की दर 8 से 12 ओवर के अंतराल में सबसे कम थी। चार, 8वें ओवर के पश्चात टीम ए और बी के द्वारा बनाए गए रनों में 6 रन का अंतर था। पाँच, आलेख से स्पष्ट है कि इस मैच में टीम बी विजयी हुई। करके देखें, आप भी अपने मित्रों के साथ खेले गए क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को आलेख पर दर्शाइए।